नेशन बिहारी मीडिया में आप लोगों का स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की बड़ी खबरों को। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेगी केंद्रीय टीम, नुकसान का करेगी आकलन, राहत कार्य के लिए केंद्र से मिला 655 करोड़ रुपए। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम आएगी, फसल और जान मान के नुकसान की जायजा लेगी। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम भेजी जाएगी। इस टीम में कृषि समेत अन्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल रहेंगे। टीम बिहार आकर बाढ़ से हुए क्षति का आकलन करेगी। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर से पहली किस्त 655 करोड़ रुपए की है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अग्रिम सहायता राशि जारी की गई है। जन सुराज पार्टी की स्थापना, मोतिहारी में 60,000 लोग जाएंगे। पटना में वेटनरी कॉलेज में 2 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी के निर्माण में शामिल होंगे मोतिहारी के 60,000 से अधिक जन सुराजी लोग। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। तैयारी में समीक्षा को लेकर पार्टी कार्यालय में बैठक किया गया। इसमें पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह ने बताया कि 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा होगी। इसको लेकर पटना के वेटनरी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि जगह छोटा पड़ गया पर पहले से गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश कार्यक्रम के लिए जगह नहीं मिल पाया, जिसके बाद वेटनरी कॉलेज में किया जा रहा है। जन सुराज के कद्दावर नेता संजय सिंह ने कहा है कि पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा हैं, सभी विधानसभा से 5,000 लोग पटना चल रहे हैं। उनके जाने से लेकर खाने और रहने की व्यवस्था की गई है। आज सुबह 6 बजे से सभी रवाना हो। भागलपुर में खेलने के दौरान हुआ बम विस्फोट, 8 बच्चे घायल, 3 की हालत गंभीर। बिहार के भागलपुर में बम धमाके का चौंकाने वाला मामला आया है। हबीबपुर थाना इलाके के खिलाफत नगर में मंगलवार को खेलने के दौरान अचानक बम फटने से 8 बच्चे घायल हो गए, इसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल बच्चे की उम्र 8 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि बच्चों के हाथों में बम कहां से आया यह अभी तक सवाल बना हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। नीतीश कैबिनेट में 45 प्रस्तावों को मंजूरी, सीएनजी पीएनजी की वैट दरें घटाई। बिहार में निजी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक योजनाओं की नीतीश कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसके तहत ड्राइवरों की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी मेडिकल जांच और बीमा की भी सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके बाद में कुल 45 एजेंडे पर मोहर लगाए गए हैं। राज्य सरकार के कार्यकालों में साल 2025 में छुट्टियों की भी घोषणा करते हुए नए कैलेंडर की कैबिनेट ने मंजूरी कर दी। इसके अलावा जिलों के राज्य पत्रिका कर्मचारियों को हर साल वित्तीय वर्ष में 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। नालंदा जिले में राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक महिला हॉकी चैंपियन कराने का प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगी। औद्योगिक क्षेत्र में सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए वैध दर में कमी की गई। सीएनजी के लिए 20 की जगह 12.5% और पीएनजी के 20% की जगह 5% वैध दर होगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ आरजेडी का आंदोलन, पटना में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मीसा भारती बोली, सरकार बनने पर 200 यूनिट मुफ्त मिलेगी बिजली। मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ पूरे बिहार में आंदोलन कर रही है। मंगलवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पटना जिले के फतुहा, दानापुर, फुलवारी शरीफ, बिहटा, खुसरूपुर, बाढ़ प्रखंड कार्यालय समेत पूरे राज्य में एक दिवसीय धरना की दिया, स्मार्ट मीटर को बंद करने की मांग की। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि यह राज्य स्तरीय प्रदर्शन है, राजद पहले से आवाज उठा रही है, स्मार्ट मीटर में कई खामियां हैं, सरकार को इससे वापस लेने पर विचार करना चाहिए। राजद ने लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि सरकार बनने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, राजद अभी भी इस बयान पर कायम है। बिहार में बाढ़ के बीच वायुसेना ने संभाला मोर्चा, हेलीकॉप्टर से फूड पैकेज पहुंचाए जा रहे हैं। 16 जिलों की 10 लाख आबादी बाढ़ से घिरी। बिहार में बाढ़ के बीच अब वायुसेना की मदद मिल गई।
ली जा रही है। एयरफोर्स की मदद से प्रभावित इलाकों में लोगों तक हेलीकॉप्टर से फूड पहुंचाए जा रहे हैं।